कल बिहार का बजट आया, 2023-24 के बजट की चर्चाएं तो हो ही रही, लेकिन उससे ज़्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या ये सरकार कंटिन्यू करेगी। हालांकि सरकारी पक्ष से दावा है कि सरकार हर हाल में चलेगी और एक दूसरे के प्रति आस्था दिखाया जा रहा है, लेकिन जो माहौल देखे जा रहे हैं, जिस तरह के बयानबाजियां हो रही हैं, उससे क्या आपको लगता है कि ये सरकार कंटिन्यू करेगी? जानकारों की माने तो राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि इसी बजट सत्र के बीच ये सरकार ध्वस्त हो जाएगी। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सरकार के पास इतने प्रचुर मात्रा में आंकड़ा है जिससे कि कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है कि सरकार के सेहत पर कोई असर पड़ेगा, लेकिन बयानबाजियों ने कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है इस बात को कहने के लिए। और जो पुराने इतिहास रहे नीतीश कुमार के, वो भी इस बात की तरफ तस्दीक करते हैं। हालांकि इसमें एक बात और कही जाती है कि नीतीश कुमार के पास तब बहुत सारे ऑप्शन हुआ करते थे, इस बार उनका ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो गया है। नीतीश कुमार अगर सत्ता में नहीं रहना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सत्ता में रह करके और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने के लिए उन्हें विकल्पों की कमी हो गई है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी, जो कि अक्सर नीतीश कुमार की कहा जा रहा है कि जब भी छापामार युद्ध होता था तो पनाहगाह हुआ करती थी, वो भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश को पनाह देने के लिए इनकार कर चुकी है। खुद अपने से आकर के अमित शाह ये बात कह के गए हैं, दावे के साथ ठोक करके उन्होंने कहा है कि अब नीतीश कुमार किसी भी कीमत में, किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं है। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी भी कोई भी चीज़ बदल जाती है, कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, न दोस्ती न दुश्मनी। सत्ता के लिए सारे समझौते और सारी चीजें संभव है, लेकिन इनके साथ साथ एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में जिस तरह की रस्साकसी चल रही है, जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उन बयानों ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बड़ा ही मोरल बूस्ट किया होगा। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से नई एंगल पकड़ ली गई है और ये लालू प्रसाद वाली एंगल है। कई जो नीतीश सरकार के मंत्री हैं वो मुखर होकर के अपनी आवाज बुलंद करने लगे हैं, और जिसको लेकर के नीतीश कुमार के आसपास दायरा जो है वो छोटा होता जा रहा है उनके गुस्से का। नीतीश कुमार अक्सर जिस तरह की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, भले ही वो कितनी बार ही पाला बदल लें, लेकिन राजनीति करने के लिए नीतीश कुमार स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं और अभी भी बेदाग छवि के नेता कहे जाते हैं और हैं भी। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार के पाले में ये तो बात जाती है, लेकिन वहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं मजबूर कर रही हैं, और ये हमें भी कहने के लिए मजबूर कर रही है कि क्या ये सरकार इस बजट सत्र में ही समाप्त हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। इसके पीछे कारण है कि बजट सत्र शुरू होने के पहले दिन से लेकर के अब तक 2 दिनों का सेशन चल चुका है, और इन 2 दिनों में जो चीजें नजर आई हैं वो इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं तलखियां भीतर में बहुत है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता लगातार अपने बयान दे रहे हैं, कुछ बयान तो पहले बजट के आ गए और अब बजट के बीच जिस तरह के बयान आ रहे हैं वो काफी चिंताजनक है। चंद्रशेखर के बयान आए, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने फिर एक बार रामायण को लेकर के, महाभारत को लेकर के और अन्य ग्रंथों को लेकर के, खास करके अगर बात की जाए तो रामायण को लेकर के जिस तरह की बातें उन्होंने कही है और खुले मीडिया में चैलेंज कर दिया है, ये बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं जनता दल यूनाइटेड को। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर अपनी बात रख करके चुप हो गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा गुस्से में इस मुद्दे को लेकर के जनता दल यूनाइटेड है। जनता दल के यूनाइटेड के कई नेता इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं और यह प्रतिक्रिया कहीं ना कहीं विस्फोटक स्थिति में जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसराइल मंसूरी वाला प्रकरण है, उस प्रकरण को लेकर के भी नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनके CCC पर कुठाराघात है, और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आप जानते हैं क्या करते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सब कुछ ठीक है ये बात बताने के लिए इतना ही काफी है कि 2.5 घंटे तक इंतजार करना होता है नीतीश कुमार को सरकारी कार्यक्रम में, तब उप मुख्यमंत्री आते हैं और कहने वाले यहां तक कहते हैं कि कई बार उन्होंने फोन किया तब वो पहुंचे। बजट सत्र के बीच भी नीतीश कुमार हल्के पड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव
पूरे दोनों सदनों को अकेले हैंडल कर रहे हैं। हालांकि यह अच्छी बात है कि आने वाली राजनीति में इन्हीं लोगों का भविष्य नजर आ रहा है, क्योंकि वोट बैंक के हिसाब से भी देखें या जो संगठन है, जो दल है, उसके हिसाब से भी देखें तो बिहार में अभी लालू प्रसाद की विरासत को समाप्त करना थोड़ा मुश्किल है। इन सारी चीज़ों को देख करके साफ नज़र आ रहा है कि जिस तरह से एक तरफ चंद्रशेखर, दूसरी तरफ इसराइल मंसूरी, तीसरा आपने आलोक मेहता का बयान सुना ही होगा, इसके अलावे आपने सुरेंद्र यादव का बयान सुना होगा, इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद आपने सुधाकर सिंह का बयान तो अंत में सुना ही होगा, जो एकदम लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई करने की बात कही जा रही है लेकिन कार्रवाई हुई नहीं है। सुधाकर सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है कार्रवाई करने लायक। सुधाकर सिंह ने तो तेजस्वी यादव को भी हिदायत दी है कि आप किसके साथ हैं, आप अपना वोट बैंक बर्बाद कर रहे हैं, अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी साथ छोड़िए, मुख्यमंत्री की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ नीरज कुमार लगातार इन सारी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। वहीं अभिषेक झा की बात करें तो उन्होंने भी और संजय सिंह भी लगातार इस तरह के बयानों का कोट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह के बयान सरासर गलत हैं, जो गठबंधन के लिए घातक हैं। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं कूद गए हैं जीतन राम मांझी भी, और जीतन राम मांझी ने भी अपनी बातें स्पष्ट कर दी है। उन्होंने एक तरफ नीतीश कुमार के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खेमे से निकल रहे इन सवालों का, इन बातों का घोर विरोध किया है। देखना दिलचस्प होगा कि जो चर्चाएं तेज हो गई हैं, राजनीतिक सोच रखने वाले लोगों का कहना यह है कि सरकार का जीवन बहुत छोटा हो गया है, इसी बजट सत्र में फैसला हो जाना है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। 2 महीने का लगभग ये बजट सत्र है और इस सत्र में देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें बहुत हैं, अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।